कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये चार को जो साजिश कर रहे हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, लवण सिंह, ये लोग होने देंगे? ये लोग साजिश कर रहे हैं कि अब लवकुश की धारा की जो राजनीति है, अति पिछड़ा की धारा की राजनीति है, प्रगतिशील सवर्ण समाज की जो धारा की राजनीति है, दलित महादलित समाज की धारा की जो राजनीति है, इसको भी समाप्त कर दो, इसको बिहार से आगे दिल्ली नहीं जाने दो। ये विधायक था समता पार्टी का, नीतीश 17 साल से मुख्यमंत्री है कि नहीं है? लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज, किसी भी कीमत पर जनरल राज वालों को बिहार में राज करने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा गुट के, बिल्कुल जेडीयू के वैसे प्रदेश सचिव हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गुट के ही कहना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा गुट के नेता हिमांशु पटेल हैं और हिमांशु पटेल से बात होगी उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण पर, जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है उन सवालों पर। पटेल साहब, 19-20 को आपने एक बैठक बुलाई है, उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई है 19-20 फरवरी को, बैठक में जाएंगे तो आप जेडीयू के सचिव से पूर्व सचिव हो जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, वो बैठक चुकी को गुट का नहीं है, वह जनता दल के समर्पित साथियों की बैठक है, पूरे साथियों की बैठक है, कार्यकर्ताओं की बैठक है। जो साथी जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं, लवकुश समाज के और अति पिछड़ा महादलित दलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण विचारधारा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे साथियों को हम लोग पटना बुलाए हैं और उस बैठक में हम लोग जनता दल को कैसे मजबूत किया जाए इस पर बात करेंगे। जहां तक आप सवाल किए कार्रवाई के, तो हम तो चैलेंज देते हैं प्रदेश अध्यक्ष को कि अगर उनकी गट्टा में ताकत है, हमको आज निकाल दें, अभी निकाल दें, है इनको जी, अपने इनको ठिकाना है, तो खुद डगरा के बैगन है, खुद नीमक के बोरा है। उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पार्टी के प्रदेश सचिव को बाहर नहीं निकाल, कितने लोगों को अजय आलोक जब बाहर निकाल दिए गए और कई लोग बाहर निकाल दिए गए, तो फिर आप किस क्षेत्र की? हम तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, निकाल के देखे, गट्टा नहीं मोड़ देते हैं, निकाले है उनको, औकात हमको निकालने का, पार्टी से निकाले, उनको किसने रोका है? तो ऐसा क्या है आपको नहीं निकाल पा रही है जेडीयू? क्योंकि जेडीयू हम लोग का स्वाभाविक पार्टी है, हम लोगों ने खून पसीना से जनता दल को सींचा है। उमेश कुशवाहा कहाँ थे? जबरदस्ती उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रुके हुए हैं, नीतीश कुमार ने तो कह दिया कहीं भी चले जाइए जितनी जल्दी हो सके। अरे मुख्यमंत्री लाचार और विवश है, मुख्यमंत्री अपना भाषा थोड़े बोल पाते हैं, मुख्यमंत्री जी तो चार वो जो लोग घेर लिए हैं वही उनको बोलवाते हैं, उन्हीं के दिमाग से बोलते हैं। अब मुख्यमंत्री का उम्र का फायदा उठाकर ये लोग उनका जो है मजबूरी उनको मजबूर कर दिए हैं और अपना हर फैसला उनसे करवा लेते हैं। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कहां चलते हैं, अब इन पर तो उम्र प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री विपक्षी दलों को गोलबंद करने जा रहे हैं, लामबंद करने जा रहे हैं, आप लोग कह रहे मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं। अरे भैया, हम लोग का तो सपना था कि हम लोग के अभिभावक है नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में हम लोग देश में लाल किला पर झंडा फहरा में, हम लोग तो चाहते हैं नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये चार जो साजिश कर रहे हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, लवण सिंह, ये लोग होने देंगे? ये लोग साजिश कर रहे हैं कि अब लवकुश की धारा की जो राजनीति है, अति पिछड़ा की धारा की राजनीति है, प्रगतिशील सवर्ण समाज की जो धारा की राजनीति है, दलित महादलित समाज की धारा की जो राजनीति है, इसको भी समाप्त कर दो, इसको बिहार से आगे दिल्ली नहीं जाने दो। एक चीज बताइए, वाकई क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय होने जा रहा था, जो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उनकी वजह से रुक गया, या फिर कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये सब? देखिए भैया, कोई ना कोई डील तो था, तभी आरजेडी के लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, इनको शिखंडी कर रहे हैं, भिखारी कर रहे हैं, लाचार कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जेडीयू आरजेडी के बीच कोई ना कोई डील है, वही डील को तो हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक कीजिए, खुलासा कीजिए, क्या डील हुआ है मुख्यमंत्री जी? अरे आपका व्यक्तिगत सिलेंडर हो सकता है, लवकुश समाज सिलेंडर नहीं करेगा, अति पिछड़ा महादलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज सिलेंडर नहीं करेगा, जिसने बीड़ा उठाया था जनरल राज को समाप्त करने का। चर्चा यह भी है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा तेजस्वी यादव की पीठ पर हाथ रखकर कि अब इनको आगे बढ़ाना है, या नीतीश कुमार ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने विद्रोह का मन वहीं से बना लिया। देखिए बिल्कुल, जिसने बिहार को बर्बाद किया, जिसने लवकुश समाज के हजारों लोगों का सर कलम किया, हजारों महिलाओं को विधवा बनाया, जिसने प्रगतिशील समाज, महादलित, अति पिछड़ा समाज को जो है हत्या करवाई, उसको कैसे बिहार सौंप सकते हैं? जिसने बिहारी कहलाना अपमान का विषय कहलाया, जिसने बिहार को बदनाम किया, जिसने बिहार को रक्तरंजित किया, उसको बिहार कैसे सौंप देंगे? हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, नीतीश कुमार कौन होते हैं? कैसे लड़ेंगे अंतिम दम तक? अभी तक आपके साथ जेडीयू के कुछ नेता कार्यकर्ता साथ हैं, एक एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, वो साथ हैं,
जेडीयू का कोई बड़ा नेता या बहुत भारी संख्या में देखिए आपके साथ खड़े नहीं। देखिए जिसके साथ समाज खड़ा हो उसको बहुत नेता की जरूरत नहीं, नेता तो बिहार भर के कार्यकर्ता मेरे साथ है। आप याद कीजिए समता पार्टी का दौर, कैगो विधायक था समता पार्टी का, आज 17 साल से मुख्यमंत्री है कि नहीं है। ये लपकू समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, प्रगतिशील सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर जनरल राज वालों को बिहार में राज करने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल है, आप बार बार ये कहते हैं कि खुलासा होना चाहिए, क्या डील हुई आरजेडी जेडीयू के बीच? उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पूरी पार्टी रालोसपा का विलय कर दिया जेडीयू में, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई थी? देखिए डील समाज जहां तक है, हम लोग चूंकि एक ही विचारधारा की पार्टी जेडीयू था, रालोसपा था, तो हम लोग जब अलग अलग लड़े तो विचारधारा कमजोर पड़ रहा था, जनरल राज वाले मजबूत हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि बिहार को जनरल राज से बचाना है तो हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ आ गए। नीतीश कुमार जी के साथ चलने में आज भी हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जनरल राज वालों को तो नहीं मानेंगे कोई भी कीमत पर। तेजस्वी यादव से इतना परहेज हो गया, आरजेडी से इतना परहेज हो गया, जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि अब आरजेडी के साथ जाना है, पहला ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, उन्होंने कहा था नए स्वरूप में नए गठबंधन के लिए नीतीश जी को, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग कहे थे कि थोड़े कहे थे तेजस्वी नेतृत्व में, हम तो नीतीश जी को आज भी कह रहे हैं कि आप या तो कहिए कि कोई डील नहीं हुआ है, हम जब तक है तब तक नेतृत्व करेंगे। तो आज भी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं ना, वो कह दिया कि 25 का नेतृत्व तेजस्वी करेगा, वो आज कहे कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं नेतृत्व करूंगा, बीच में मेरा कोई डील नहीं हुआ है, कहे हूँ सार्वजनिक रूप से, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए डील का खुलासा करना पड़ेगा और नीतीश कुमार को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, अगर नीतीश कुमार अपनी बात वापस नहीं लेंगे विद्रोह जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, यही बात है। हाँ बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगा, नहीं बनने देंगे जंगल आजमानों को, नहीं बनने देंगे। तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत